आते हैं तो यहाँ फेमस प्लेसेस भी काफ़ी है, जैसे धुआंधार फॉल्स, मार्बल्स रॉक्स, दुमा नेचर रिजर्व पार्क, बैलेंसिंग रॉक, मदन महल फोर्ट, रानी दुर्गावती म्यूजियम, बर्गी डैम, टिटवाड़ा घाट एंड मेनी मोर प्लेसेस है दोस्तों जबलपुर में। एक बात दोस्तों मैंने नोटिस किया है जबलपुर में कि जो रेलवे स्टेशन है ना जबलपुर जंक्शन, जंक्शन को काट दिया गया है। क्यों काटा गया है वो मुझे नहीं पता। अगर आप में से कोई जबलपुर से है और ये वीडियो देख रहा है उसे पता हो कि जबलपुर में से जंक्शन क्यों काटा गया तो वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अगर नहीं भी पता है कोई तो मैं रिसर्च करके पता ही लगा लूँगा और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊँगा। तो दोस्तों सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करके अभी हम आए हैं जर्नी के पहले हॉल्ट मदन महल रेलवे स्टेशन पर 5:28 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। दोस्तों ट्रेन का अराइवल टाइम मदन महल रेलवे स्टेशन पर 5:23 AM का है, बट आज ट्रेन 5 मिनट लेट आई है। मैंने शुरुआत में ही कहा था दोस्तों क्योंकि 5 मिनट डिले ही स्टार्ट हुई थी जबलपुर रेलवे स्टेशन से, इसलिए 5 मिनट अभी यहाँ लेट आई है। दोस्तों मदन महल रेलवे स्टेशन ना जबलपुर में ही आता है और यहाँ ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। देखा जाए तो जबलपुर का जो मदन महल रेलवे स्टेशन है काफ़ी नोन रेलवे स्टेशन है, काफ़ी ट्रेनें रुकती है यहाँ पर।
जर्नी में आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा। तो ये जर्नी ना आप देखिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, काफ़ी सीनिक व्यूज मिलने वाले हैं। और इस जर्नी में हमारे 3 हॉल्ट होने वाले हैं, मदन महल, नैनपुर जंक्शन, बालाघाट जंक्शन और जो एंड गोंदिया जंक्शन होने वाला है। दोस्तों मदन महल को तो हमने अभी क्रॉस कर लिया है, अभी नैनपुर जंक्शन आने वाला है, तो उसके बाद आएगा बालाघाट जंक्शन। नैनपुर और बालाघाट के बीच में जो रूट है दोस्तों, कान्हा केसरी नेशनल पार्क के अंदर से ट्रेन जाती है, तो काफ़ी सीनिक व्यू होने वाला है वहाँ पर, तो इस जर्नी को मिस ना करें।
जंगल एरिया यहीं से शुरू हो रहा है दोस्तों। पहाड़ियाँ काफ़ी सुंदर और विहंगमय दृश्य दे रही है। दोस्तों बरसात का मौसम एकदम बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बारिश अभी थोड़ी ही देर में हो ही जाएंगी। ये जो दोस्तों यहाँ पर पुराने रेलवे ट्रैक्स थे जो नैरो गेज लाइन चलती थी उस टाइम, आपने कुछ देखे होंगे बीच में नैरो गेज लाइन के पोल्स, उनके पिलर्स अभी भी है जो अंग्रेजों के ज़माने के थे। अभी आगे मैं आपको एक और बार दिखाऊंगा, काफ़ी ऊंचाई के ऊपर से ट्रेन जा रही है, वो सब पहाड़ियों को चीर के रास्ता बनाया गया है। ग्रीनरी काफ़ी लग रही है दोस्तों, मॉनसून जर्नी आप जरूर कीजिए। काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं इस रूट पर। अभी हम एकदम जंगल के बीचों बीच से जा रहे हैं।
ऊपर रास्ता है, ये जानवरों को ले जाने का रास्ता है। रास्ता बनाया गया है वो काफ़ी शानदार नज़ारा देता है इस ट्रेन जर्नी में, और बरसात के मौसम में तो ये रूप और भी सुहावना हो जाता है। एकदम हरी हरी घास उग जाती है हर जगह, और अभी जस्ट 5 से 10 मिनट पहले बारिश हो चुकी है यहाँ पर। चाली लगी है दोस्तों, ऊपर साइड अगर जानवर आते हैं तो रेलवे ट्रैक क्रॉस ना कर सकते उनके लिए। और दोस्तों पास में ही एक पावर प्लांट दिख रहा है, पावर प्लांट का नाम तो पता नहीं दोस्तों, अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जो पावर प्लांट साइड लाइन जा रही है वो बिनाकी के पास दोस्तों ये पावर प्लांट है, अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या नाम है इस पावर प्लांट का। बिनाकी रेलवे स्टेशन को अभी हम स्किप कर रहे हैं, ट्रेन अभी दोस्तों बिनाकी रेलवे स्टेशन के पास रुक चुकी है, क्यों रुकी है पता नहीं पर रुक चुकी है। जबलपुर चांदा फोर्ट एक्सप्रेस को अभी रोका गया है बिनाकी रेलवे स्टेशन पर। ये जो रूट है वो सिंगल लाइन रूट है, और आगे से अभी ट्रेन आने वाली है, एक नैनपुर जबलपुर डेमू ट्रेन आ रही है, सॉरी कोई एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, उसकी वजह से अभी हमारी इस ट्रेन को रोका गया था। चलिए इसके जाने के बाद हमारी ट्रेन निकल जाएंगी बिनाकी रेलवे स्टेशन से। जी हाँ, ये नैनपुर जबलपुर पैसेंजर ट्रेन ही है, WAP 4 लोकोमोटिव ट्रैक्शन दे रहा है इस नैनपुर जबलपुर पैसेंजर ट्रेन को, ETRC बेस्ड लोकोमोटिव है। आती है नैनपुर जबलपुर तक ट्रेन जाती है, पैसेंजर ट्रेन है। चलिए अब हमारी ट्रेन इसके बाद बिनाकी रेलवे स्टेशन से डिपार्ट लेने वाली है। चलिए अभी बिनाकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन डिपार्ट ले रही है दोस्तों। कोई हॉल्ट नहीं था, बस ट्रेन
किसी ट्रेन को पास करने के लिए यहाँ रुके थे, जो थी चिराई डोंगरी नैनपुर जबलपुर पैसेंजर ट्रेन को पास कराने के लिए। हमारा जो मदन महल से उसके बाद जो स्टॉप है वो पहला स्टॉप नैनपुर जंक्शन है। जबलपुर से पहला स्टॉप मदन महल है, दूसरा स्टॉप नैनपुर जंक्शन, उसके बाद बालाघाट। बादल एकदम छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कभी भी बरसात हो सकती है।
भीलवाड़ा की तरफ से नैनपुर जंक्शन में। नैनपुर जंक्शन में ट्रेन अराइव हो रही है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जर्नी के दूसरे हॉल्ट नैनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 8:01 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। नैनपुर जंक्शन पर ट्रेन का अराइवल टाइम 7:45 AM का है, बट आज ट्रेन 16 मिनट लेट आई है। यहाँ पर दोस्तों ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और मैं अब आपको डायरेक्ट इसके पार्ट 2 में मिलने वाला हूँ। दोस्तों पार्ट 2 में भी पार्ट 1 की तरह ही कान्हा नेशनल पार्क के जंगलों से ट्रेन जर्नी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।